बंगाल की खाड़ी से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिहार पहुंची यास तूफान 55 किलोमीटर और अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भले ही आ गई हो, मगर बारिश की रफ्तार में कोई कमी नहीं है। लालगंज ही नहीं बल्कि पूरे जिले और उत्तर बिहार इसकी चपेट में है। कहीं घर की दीवार गिर गई तो कहीं घर पर पेड़ व पौधों की डालियां। जहां तक बारिश का सवाल है तो केवल लालगंज प्रखंड की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 112 mm बारिश हुई है। लालगंज ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की रिपोर्ट की माने तो बीते गुरुवार की सुबह 4 mm बारिश हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 112 mm पर पहुंच गई। इसकी देखरेख कर रहे किसान सलाहकार श्रीराम ने बताया कि हर 3 घंटे पर बारिश की रीडिंग की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जा रही है। लगातार 2 दिनों से हुई बारिश के कारण लालगंज का कई इलाका जलमग्न हो चुका है, जिसमें थाना रोड, पुलिस कर्मियों का आवास, नूनू बाबू चौक, प्रेमगंज समेत पूरे नगर परिषद क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। वहीं तिरहुत तटबंध की पूर्व से जर्जर स्थिति, ऊपर से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। तेज हवा और बारिश से 33,000 ब्रेकडाउन होने के कारण बिजली का भी खास्ता हाल है, जिससे पेयजल से लेकर मोबाइल चार्जिंग तक की समस्या बन गई है। देखा जाए तो यास तूफान और तेज बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद लालगंज को चेतावनी जरूर दे दी है कि मानसून के आगमन से पूर्व तैयारी कर लें, अन्यथा मानसून जब चरम पर होगा तो स्थिति और बदतर हो सकती है। जहां तक फसलों की क्षति की बात है तो थोड़ी बहुत मूंग की फसल को और कुछ लीची को क्षति हुई है। वहीं आम को इस बारिश से काफी फायदा होगा, किसान अब धान के बिचड़े की नर्सरी तैयार कर सकेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर के सरया थाना क्षेत्र के बखरा गांव के बल्ली सरया में घर में बैठे एक व्यक्ति पर दीवार गिर गया, जिसमें पुकार बैठा का पुत्र दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने वैशाली PHC में उसे भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया।